नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24 7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त के अहम खबरों का। सावन माह का प्रारंभ हो चुका है। रामनगरी अयोध्या में सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए शिव मंदिरों के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर से ही जल चढ़ाने की अनुमति दी गई है। जहां भक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। सावन माह प्रारंभ के साथ पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए बड़ा पर्व माना जाता है और बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ का अपनी श्रद्धा से जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक व अन्य विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में दो प्रमुख स्थान हैं। भगवान नागेश्वर नाथ व क्षीरेश्वर नाथ महादेव के प्राचीन मंदिर हैं, जहां सावन के प्रारंभ पर लाखों कांवड़िया सरयू में जल भरने अयोध्या पहुंचते हैं। इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। वहीं महिला थाना अध्यक्ष रत्ना कुमारी ने बताया कि अयोध्या में सावन के पहले सोमवार पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, जो कि सरयू में स्नान कर नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर हनुमानगढ़ी व कनक भवन में भी दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसके लिए कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और भीड़ वाले स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ियों में भेजे जा रहे हैं, जिससे मंदिरों में अधिक भीड़ ना हो सके। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू यादव की रिपोर्ट। भैया फंसा रहे हैं, मैं अयोध्या से हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। शंकर जी को मतलब जल चढ़ाए हैं, उनसे अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हिंदू समाज में सावन महीना सबसे पवित्र मंथ माना जाता है और शंकर भगवान एक ऐसे देवता है मतलब सारे विश्व को नाश करते हैं। एक मतलब यही कहेंगे कि जो हमारे देश पूरे संसार में कोरोना वायरस फैला है, इसको प्रभु अपने विश्व करता हूँ। बेनीगंज रहता हूँ। जैसा कि आज सावन का प्रथम सोमवार है, उसी के मद्देनजर हम लोग निकले थे, तो ये हुआ कि सबसे पहले उधर से आने में क्षीरेश्वर नाथ पड़ता, जो कि दशरथ जी द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है और इसकी बहुत ही महत्ता है। फिर हम लोग यहाँ पे जलाभिषेक करने के पश्चात नागेश्वर नाथ जाएंगे, जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित है, और वहाँ पे भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। राजा दशरथ जी द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया था और क्षीर द्वारा यहाँ का जलाभिषेक हमेशा होता है। यहाँ पे आज तो सावन का प्रथम सोमवार है, इतनी भीड़ है, इससे भी ज़्यादा भीड़ें होती हैं सोमवार को। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे जलाभिषेक करने आते हैं। प्रवीण शुक्ला। देखिए, यहाँ पर आज सावन का पहला सोमवार है और पहला सोमवार होने के नाते भीड़ काफ़ी होगी, यही सोचते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा, प्रशासन के द्वारा फोर्स लगाई गई है और काफ़ी फोर्स लगाई गई है जगह जगह पर, ताकि जो रूट है अच्छे से आने जाने का उनका रास्ता बने। यहाँ पे काफ़ी फोर्स है और सुबह से लगी हुई भीड़, वैसे कोई खास नहीं हुई है, कम हुई है भीड़। सुबह भोर में 4 बजे से थोड़ा बहुत आना शुरू किए हैं लोग और अब तो काफ़ी भीड़ हो गई, आप देख ही रहे हैं, और फोर्स लगी हुई है सबके साथ।